आज़रबैजान के सफर के पहले दिन हम बाकू के आतिशगाह की तरफ गए। बाकू में एक जगह है जिसका नाम है आतिशगाह। फारसी में आतिशगाह कहते हैं ऐसी जगह को जहां पे आग जलाई जाती है, और जहां पे हम जाने वाले थे उस जगह को लोग आग का मंदिर यानी फायर टेंपल भी कहते हैं। ये किले नुमा मजहबी मंदिर है जिसकी हजारों साल पुरानी एक तारीख है। यहाँ फारसी और हिंदुस्तानी तहरीरों की बुनियाद पर मंदिर को हिंदू, सिख और आग की पूजा करने वाले यानी जरतश्ती इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल करते रहते थे, जिसकी निशानियां यहाँ पर मौजूद हैं। आतिश फारसी जबान का लफ्ज है जो आग के लिए इस्तेमाल होता है। इसे 19वीं सदी के आखिर में इस्तेमाल करना छोड़ दिया गया था जब यहाँ तेल की बाकियात दरियाफ्त हुई थी, या फिर यहाँ से हिंदुस्तानी आबादी कम हो गई थी और यहाँ से जरतश्ती मूव हो गए थे। फारसी और हिंदुस्तानी तहरीरों की बुनियाद पर मंदिर को हिंदू, सिख और जरतश्ती इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिसकी निशानियां मंदिर में मौजूद है। आतिश फारसी जबान का लफ्ज है जो आग के लिए इस्तेमाल होता है। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान इसे तामीर किया गया है और 19वीं सदी के आखिर में इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया गया था। बाद लोग इसकी वजह गालिबन हिंदुस्तानी आबादी के कम होने को कहते हैं, और बाद लोग ये कहते हैं कि तेल निकलने की वजह से गैस का इस्तेमाल कम होता गया था। उन्नीस में ये आतिशगाह बुझ गया था, लेकिन अब उसे करीबी शहर से गैस पाइप के जरिए रोशन किया जाता है। बाकू का आतिशगाह बरसगीर के जरतश्तियों का एक ज्यारत और फलसफियाना मरकज था, और ये मशहूर जमाना ग्रैंड ट्रंक रोड के जरिए कैप्सिन के इलाके के साथ तिजारत में शामिल थे। So, 20th of March, it's a celebration night. In the beginning of the day, we go visit cemetery, visit the graves of our relatives, and in the evening we celebrate it. It's a night of celebrating that holiday. And starting from 21st of March, when they started pumping oil, gas finished. 1883. And when gas finished, pilgrims left. Ateşgah opening used museum. Fire is artificial, same fire. You know, Hinduism, they have caste system. High, low caste. This is the high caste Brahmans. They are paid to prayer Brahmans. Because Brahmans or low caste Hindus, they also came here for the prayer. Lucas. इन जरतश्तियों के अकीदे के चार मुकद्दस अनासिर थे, जिसमें पहली चीज आग यानी आतिशी थे। वो ये बादी थे, हवा को भी खुदा का एक अंसर समझते थे। ये पानी की भी पूजा करते थे, और ये हैकी थे, जमीन को भी इसका एक अंसर समझते थे। इनके अकीदे में आग, हवा, पानी और जमीन चार अनासिर के तौर पर शामिल है। And in Apsheron Peninsula, there's a 32 village.
For example, this village, Surapan, is also part of peninsula, Apsheron Peninsula, and now we are in center of Apsheron Peninsula. And Merdekan Castle, Merdekan is the name of village, and this castle is situated there, so we call it Merdekan Castle. It's from the 13th century. Looking at this house in Gala, Gala also is the name of village, it's from the 18th, 19th centuries. Building in Apsheron Peninsula is also in 18th, 19th centuries. So, all this one founded in territory Apsheron Peninsula. It's after crisis for water, for milk, and gravestone from the 16th, 17th centuries. Looking up, they painted warriors on the horses. अठारह सौ चौरासी के बाद सूरखनी में पेट्रोलियम प्लांट्स की तंसीब के बाद मंदिर इबादत की जगह बनना बंद हो गया। इस कॉम्प्लेक्स को 1975 में एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। म्यूजियम देखने वालों की सालाना तादाद तकरीबन 40,000 से लेकर 1.5 लाख के करीब है। इंटरेस्ट रखते हैं ना, जब तेल निकला ना तो गैस के ऐसे ऐसे बुझा दिए। इस आतिशगाह को यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरासत के तौर पर अपनी फहरिस्त में शामिल किया है और 19 दिसंबर 2007 को आज़रबाईजान के सदर के एक फरमान के जरिए इसे रियासत के तारीखी आर्किटेक्चरल रिजर्व के तौर पर महफूज कर लिया गया। आतिशगाह पहुंचने से पहले हमें मालूम नहीं था कि ये किस किस्म का फायर टेंपल है, और वहां जाकर जो चीज़ें हमें अच्छी लगी वो ये कि इस तारीखी इमारत को बहुत खूबसूरती के साथ ना सिर्फ महफूज किया गया है, बल्कि यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले गाइड विजिट करने वाले लोगों को बहुत तफसील के साथ और बहुत मोहब्बत और अपनाइयत के साथ एक्सप्लेन करते हैं यहाँ की तारीख और यहाँ की चीज़ों के बारे में बताते हैं। हर लिहाज से ये एक विजिट करने की जगह है और हमारा पहला दिन फायर टेंपल को देखकर दिल खुश हो गया।